केसर प्राइड, आंगन ढाबा के सामने, मुंदी रोड, खंडवा। हमारी विशेषताएं आवागमन हेतु भव्य प्रवेश द्वार, भव्य मंदिर, कॉलोनी में सुगम आवागमन के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड की उत्तम व्यवस्था, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, उचित पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था, कॉलोनी प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइट एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था, पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग के साथ एचडीपी पाइपलाइन, सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल, वॉकिंग हेतु वॉकिंग ट्रैक, संपूर्ण कॉलोनी पूर्ण रूप से वैध, 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध, बायपास से बेहतर कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरा, कॉमन एरिया, बच्चों को खेलने के लिए प्ले जोन, विशाल सुसज्जित गार्डन, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा और 5G इंटरनेट की अंडरग्राउंड सुविधा। तो देर किस बात की, जल्द ही बुकिंग करें। बुकिंग मात्र 51,000 रुपए में 8 माह की आसान किस्तों में 0% ब्याज दर पर उपलब्ध है। तो जल्द पधारे केसर प्राइड, आंगन ढाबा के सामने, मुंदी रोड, खंडवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खानसावली क्षेत्र में मेडिकल स्टोर में हुई चोरी। सुबह आए दुकान व्यापारी जो कि टहलने के लिए सुबह निकल रहे थे, जब उन्होंने अपनी मेडिकल स्टोर के पास जाकर देखा तो मेडिकल स्टोर के वहाँ ताले टूटे हुए थे। उसी दौरान वे अंदर घुसे, उसके बाद जाँच की, चेकिंग की, तो पता लगा कि गले में से पैसे निकाल कर चोर ले गए। हम आपको बता दें कि ये जैद मोबाइल, जैद मेडिकल स्टोर है जो कि खानसावली क्षेत्र में, यहाँ पर 3 अज्ञात बदमाश आए, उन्होंने चोरी की और वहाँ से ये फरार हो गए। तीनों अज्ञात बदमाशों के पास में चाकू भी थे, जो कि इनका कहना ये कि ये पूरे हथियारबंद वहाँ पर आए हुए थे। इन्होंने पहले पूरा चेक किया, उसके बाद इन्होंने चोरी को अंजाम दिया। सवेरे चोरी की सूचना देते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। आज सुबह हम लोग 6 बजे के लगभग उठे मॉर्निंग में, तो इधर आके देखे 2 ब्लॉक हैं, तो एक ब्लॉक में मेडिकल स्टोर प्लस क्लिनिक दोनों है। मेरी मेडिकल स्टोर जैद मेडिकल स्टोर बेटे के नाम से बेटा ही था उसके ऊपर। तो सुबह देखा तो दरवाजे पूरे खुले थे, पूरे तीनों दरवाजे ब्लॉक के पूरे खुले हुए पड़े थे। अंदर आके देखे तो काउंटर में से पैसे पूरे गायब थे। अचानक हमने देखा, देखने के बाद में फिर जो है सूचना करी हमने 100 नंबर पे डायल पे। तो मैंने कहा पहले अपन खबर कर दें। 100 नंबर वाले आए थे, आकर के उनको जानकारी वगैरह बताया कि इस तरीके से ऐसी घटना जो है सुबह 4:30 के करीब, कितने बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 4:25 के करीब जो है 3 लोग क्लियर सीसीटीवी फुटेज के अंदर हमने देखा। उसमें अपने यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, तो फुटेज के अंदर बकायदा 3 लोग गाड़ी लेकर आए हैं, यहाँ पानी पिए हैं और 10 से 15 मिनट स्टे किया है, पूरा अंदर गले में से पैसे निकालते हुए फुटेज भी आए हुए हैं। सारी चीजें उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि रोड का मकान होने के बाद भी और आसानी से सब इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। हथियारों से लैस थे वो पूरे, उनके पास में चाकू भी दिख रहा है, रॉड भी दिख रही है। तो वो तो खैर वो जनहानि हुई है, जनहानि कभी होती है, हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे, किसी तरीके का हमला कर सकते थे। कितने पैसे लेके गए? लगभग 15,000 रुपए के करीब सिलक थी जो है वो, लगभग 15,000 रुपए। नहीं, घर में मतलब वो आ सकते थे, अब घर आए नहीं, 2 ब्लॉक है इधर वाले ब्लॉक में, पूरा उन्होंने पूरा घूमे वो, बाकी उस तरफ नहीं आए। उस तरफ आगे अगर उधर आते तो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते थे। दूसरी चीज ये है कि घर में सभी चीजें रहती है, फिर सोना नगद कैश वो सभी रहता है, तो उधर ज्यादा बड़ी घटना नहीं। जैद मेडिकल स्टोर जो है, डॉक्टर नजीर खान,